आप सभी लोगों का मेरे गिन्नी के नए चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे बाबू के चैनल का नाम रखा हुआ है गिन्नी द क्यूटी पाई। क्यूटी पाई है मेरा बाबू की नहीं है, है ना? देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखिए अब किसा क्या आ जाएंगी माँ बोलना शुरू करी। मैंने अपने पुराने वाले चैनल पे गिन्नी द क्यूट लैब पे ये वीडियो एक डाला था कि आप लोग को बताऊंगी कि गिन्नी का नया चैनल क्यों बनाना पड़ा, तो उसका भी एक रीजन है। बाबू कम से कम सुनो, एक बात सुनो पहले मेरी, एक बात सुनो। हाँ, इस समय माँ कुछ बता रही है, बहुत जरूरी बात बता रही है ना गुड़िया, तो उसको पहले सुन ले सब कोई, ठीक है? फिर बाबू। हाँ देखिए, इनको देखिए, इनको तो बस प्यार। तो जी का वो चैनल क्यों हम लोगों को, मतलब अभी उस पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं उस चैनल पे, गिन्नी द क्यूट लैब पे, और हम लोग ने क्यों ये नया चैनल बनाया, तो उसका रीज़न ये है कि गिन्नी का चैनल किसी ने हैक कर लिया था। तो समझिए एक हफ्ते से हम लोग बहुत परेशान, बहुत टेंशन में हैं, कि मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि सच में बता रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि इतने प्यार दुलार मेरे बाबू के, मतलब इतने अच्छे वीडियो सब थे, तो मुझे तो कहने में भी लग रहा कि मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। फिर बेटे ने बोला कि माँ परेशान क्यों हो रही हो, सबसे बड़ी बात तो ये कि बाबू है पास में। हमने कहा सही कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बाबू मेरे पास है, सबसे बड़ी चीज़। चैनल किसी ने ले लिया तो ले लो, जाओ वो उसकी किस्मत है, मेरा बच्चा मेरे पास है, मेरी किस्मत, सबसे बड़ी पूंजी तो मेरा बच्चा मेरे पास है, मेरा बाबू मेरे साथ है। तो बाबू अगर मेरे साथ है तो फिर से आप सबको मैं अपने बाबू की प्यारी प्यारी हरकतें देखिए कैसे कर रही, बाबू की प्यारी प्यारी हरकतें, उनकी समझदारी दिखाऊंगी। तो जितना, जिस तरह गिन्नी को प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो आप लोग इस चैनल पे भी प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। और उस चैनल की हम लोगों ने कंप्लेन कर रखी है साइबर क्राइम में, और काफ़ी हद तक मतलब उस पर काम हो रहा है। और देखिए अगर वो चैनल मेरा ठीक हो जाएगा तो उस पर भी वीडियो मैं डालूंगी। मुझे कभी बच्चा मेरे साथ है और आप लोगों का साथ है, तो मुझे ये जरूर विश्वास है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे और मेरी गिन्नी को उसी तरह प्यार देंगे जैसे मेरी गिन्नी को आप लोगों ने उस पर प्यार दिया था। तो यही मेरा रीज़न था, अभी तक मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, और यही मेरा रीज़न था नया चैनल को बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग मेरे गिन्नी के इस नए चैनल पे जरूर अपना सपोर्ट दीजिएगा, और आप सभी लोगों का मेरी गिन्नी के इस नए चैनल पे स्वागत है, है ना बाबू? बाबू है स्वागत। देखिए देखिए बच्चा भी मेरा कितना कितना खुशी से कह रहा। तो और मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तो बस इतना ही आप लोग को बताना था। और बाकी मैं जैसे जैसे वीडियो बनाती जाऊँगी तो मेरे माइंड से वो बातें भी फिर निकलती जाएंगी, मैं उसी में बिजी हो जाऊँगी, अपने बाबू की हरकतें दिखाने में, अपने बेटा की हरकतें दिखाने में, है ना शोना? और आप लोग मेरे गिन्नी के चैनल को जरूर देखिएगा, और प्यारे से बच्चे को शोना सुनो गिन्नी का ये चैनल है। बाकी वो वाले चैनल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रीन से भी कॉन्टेक्ट हो गया हमारा, तो वो भी यूट्यूब भी हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो चैनल वापस आ जाएगा तो हम लोग उस चैनल में डालेंगे। और तब तक के लिए लेकिन इसलिए ये है गिन्नी का नया चैनल, और इसी पे सारे गिन्नी के डेली मतलब जो भी गिन्नी के वीडियोस हैं सारे इसी पर अपलोड हैं। क्या मतलब वो तो होते रहे क्योंकि साइबर क्राइम वगैरह उन्होंने बता दिए हैं, तो है बस यही नहीं कि हमारे साथ ये हो गया ठीक है नया चैनल बना गया, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस हमें ये जानने कि मतलब ऐसा किसने किया मतलब और क्यों किया, और हमारे साथ तो किया और कितने लोगों के साथ और भी किया होगा उसने, तो ये देखिएगा। शो ना बता दो छपको, छपको हैकर दो। देखो वो भैया क्या कह रहा है। हाँ तो